नीट की परीक्षा शुरू से ही संदेह के घेरे में रही, लेकिन पिछले दिनों एसओजी ने जांच करके जो साबित कर दिया और घोषणा कर दी कि यह पेपर आउट हुआ है। और पेपर आउट होने के जो दो मुख्य बिंदु हैं, तीन, वो स्पष्ट हैं कि सारे राजस्थान के अंदर पेपर्स के कोऑर्डिनेटर सरकारी अधिकारियों को बनाया गया, एडीएम को बनाया गया, एसडीएम को बनाया, सरकारी अधिकारी केवल जयपुर ही है जहां पे राजीव स्टडी सर्कल जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए अध्यापकों का प्राध्यापकों का एक समूह है, उनके लोगों को ही इन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया। वह प्राइवेट कोऑर्डिनेटर केवल जयपुर में बनाया, पेपर भी सारे राजस्थान में थानों और पुलिस कस्टडी में रखे गए, लेकिन जयपुर के अंदर ये पेपर अपने वहाँ शिक्षा संकुल के अंतर्गत रखे गए, वहाँ कोई सीसी कैमरा नहीं लगाए गए। 10वीं 12वीं की परीक्षा होती है तो ये सीसी कैमरा लगाए जाते हैं, ये सीसी कैमरा नहीं लगाए गए। और वहाँ से साबित हो गया कि पेपर वहाँ से एक लिफाफे में से एक पेपर निकला है। जो पेपर निकला है तो निश्चित रूप से भूमिका राजीव स्टडी सर्कल से जुड़े हुए अध्यापकों और उनसे ही जुड़े हुए व्यक्तियों पर जारी है, जिसके संरक्षक और मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री और सुभाष गर्ग जो कि मंत्री हैं राजस्थान मंत्रिमंडल में, ये इसके संरक्षक मुख्य संरक्षक हैं। अतः हमारी मांग है कि यदि सही जांच होनी है तो एसओजी के बस का नहीं है, इसलिए यह जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही इस पेपर को निरस्त करके दोबारा कराया जाए ताकि राजस्थान के 26 लाख विद्यार्थियों युवाओं के साथ न्याय हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने कलेक्ट्रेट के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन किया और गहलोत पेपर मार्ट की ओर से पेपर आउट था, वह पेपर लेकर के घूम रहे थे कि खुला पेपर है, चाहे जो कोई जितने में ले जाओ। उसके बाद हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर से भी ये मांग किया कि इस मांग को सरकार तक पहुँचाए, और यदि सरकार नहीं पहुँचाएगी तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे जब तक सरकार सीबीआई जांच की घोषणा नहीं करेगी। जैसे कि पूरे राजस्थान को पता है, पूरे राजस्थान के युवाओं को पता है कि जो रीट परीक्षा पेपर लीक हुआ है, जो पेपर आउट हुआ है, उसका जो प्रकरण और जो ये पूरा कांग्रेस सरकार द्वारा जो ये चल रहा है, इसके नाते आज युवा मोर्चा ने कलेक्ट्री पर आके ज्ञापन दिया है। जब से सरकार आई है, जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, तब से लेके अभी तक उन्होंने सबसे पहले युवाओं के नाम पे वोट मांगे, उसके बाद में जब वो सत्ता के अंदर आए, आने के बाद में उन्होंने युवाओं के साथ में किस तरीके से पूरे राजस्थान में प्रकरण चल रहे हैं, कभी किसी वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ हत्या, कभी रेप के जो केसेस आ रहे हो, कांग्रेस सरकार के अंदर ये काले कारने में शुरू से होते आ रहे हैं। पहले उन्होंने युवाओं के नाम पर वोट मांगे, जब उनको वोट मिले वो सत्ते में आए तो उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार है उनको भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगार भत्ता तो दूर की बात है, रोजगार भी नहीं दिया किसी को। उसके बाद में अब ये पेपर लीक जो आउट हुआ है, रीट की परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, इसके अंदर भी जो युवा हैं उन्होंने मेहनत करके इसमें तैयारी करी, लेकिन उसके बाद में उनको फलस्वरूप ये मिला कि उनका जो पेपर है लीक हो गया, जो वहाँ पे पैसे दे के जो पेपर खरीदे गए थे और नए नए जो फिगर हैं वो सामने आ रहे, कभी 5 करोड़ कभी 7 करोड़। तो कहीं ना कहीं एसओजी द्वारा ये बात बिल्कुल प्रूफ है कि जो पेपर है वो आउट हुआ है। तो युवा मोर्चा आज कलेक्ट्री के ऊपर ज्ञापन देना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो राजस्थान के युवा हैं इनको इस चीज़ के अंदर न्याय मिले। राहुल जायसवाल, युवा जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, शहर जिला।